नमस्कार, मैं आपको आज लेकर आया हूँ इस स्टोर में शॉपिंग करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की फ्री वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। थोड़ा चौंक गए ना कि स्टोर तो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना तो किसी संस्था या सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन होम डिपो बच्चों की फ्री वर्कशॉप हर महीने आयोजित करता है, और ना सिर्फ इस स्टोर में बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए अपने इसी तरह के विशालकाय 2,200 से भी ज़्यादा स्टोर्स में, वो भी बिल्कुल निशुल्क। बच्चे इस वर्कशॉप का बेसब्री से इंतज़ार करते और हर बार कुछ नया बनाते हैं। आज ये बनाने वाले हैं वुडन फायर बोट टॉय। पहले अटेंड करते हैं इस वर्कशॉप को और फिर विजिट करते हैं इस स्टोर को। Where is that? ये सब गतिविधियाँ स्कूल में भी होती हैं, लेकिन यहाँ आकर इस माहौल में काम करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये अमेरिका का ऐसा वाहिद स्टोर है जो इतनी कॉमर्शियल व्यस्तता के बावजूद इस मुल्क के मुस्तकबिल यानी बच्चों को ये अवसर मुहैया कराता है और इस माध्यम से लाखों परिवारों को अपने से जोड़ता है।
आपने इस स्टोर को विजिट करते वक्त एक बात नोटिस की होगी कि इतना बड़ा स्टोर और ग्राहक ना के बराबर, आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ये स्टोर अपने यहाँ से सिर्फ 30,000 प्रोडक्ट्स ही सेल करता है और बाकी के 7,00,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसा कि लोगों में स्टोर शॉपिंग का चलन कम होता जा रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टोर्स बंद भी होते जा रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने के बाद यहाँ के स्किलफुल एम्प्लॉयज़ या वर्कर उस ऑर्डर को घर जाकर पूरा करते हैं, होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर कस्टमर्स की आवक बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी इतनी व्यावसायिक व्यस्तता होने के बावजूद भी होम डिपो बच्चों की वर्कशॉप पूरे नेशन वाइड आयोजित करता है, जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी देश का मुस्तकबिल उसके बच्चे होते हैं। कोई भी मुल्क शक्तिशाली अपने भूभाग से नहीं बल्कि अपने शहरियों की वजह से बनते हैं, और जो देश के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करे, ऐसा काम वाकई सराहनीय है। If you will not read, how you can do that? You have to read what they say. Are you looking for that? Show me yours. When Anjali come to show. Say premium. Thank you.
that they're